स्वागत है आप सबका। मैं दिल से धन्यवादी हूँ कि आपने उम्मीद से भी बढ़कर चैनल को प्यार दिया। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न टू द चैनल। वन थिंग दैट हैज़ कम टू माई नोटिस दैट द वीडियो विच आई हैव पोस्टेड टिल नाउ, टाइम ड्यूरेशन ऑफ दोज वीडियोज़ इज़ मच लॉन्गर। सो आई विल कीप दैट इन माइंड और मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ना हो। अगर किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी लंबी वीडियो की तो मैं उसे पार्ट्स में बनाऊंगा। और गेटिंग बैक टू स्टडी पोर्शन, इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड दैट इन सीआरपीसी देयर आर 37 चैप्टर्स एंड 2 इंसर्टेड चैप्टर्स प्लस 2 स्केड्यूल्स। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी एंड ट्राई टू लर्न द चैप्टर फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी विच इज़ प्रिलिमिनरी। इट हैज़ बेसिकली इट हैज़ 5 सेक्शंस फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 5। अमंग दीज सेक्शन सेक्शन 2 इज रियली इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं सेक्शन 2 से। सो नाउ लेट अस रेफर टू द बेयर एक्ट्स। सो भाई ये है अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस सीआरपीसी 1973 चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। इसमें 5 सेक्शन है जैसे आपके सामने दिए गए हैं। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट सेक्शन, सेकंड है डेफिनेशन, तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड एंड अदर लॉज सेक्शन 4 और सेविंग सेक्शन 5। तो आइए अब इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। ये जो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 है ये शॉर्ट टाइटल है और जो सबसे ऊपर 2 लाइनें दे रखी हैं ये लॉन्ग टाइटल है। इसके बाद जो हाईलाइट किया हुआ येलो कलर से 25 जनवरी 1974, इस दिन असेंट मिली थी इस एक्ट को, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होके प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो चुके थे, प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी थी। इसके बाद जो लाइन आती है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल। सीआरपीसी का प्रीएम्बल है। इसमें 2 शब्द जरूरी है, कंसोलिडेट और अमेंड, दोनों हाईलाइट किए हुए हैं। अमेंड का मतलब है चेंज लाके नए समय के हिसाब से, और बाय कंसोलिडेट वी मीन वो सारे कानून इकट्ठे कर दिए गए हैं और उनको कंसोलिडेट, इकट्ठा करने को कंसोलिडेट बोलते हैं। 24वें साल में, रिपब्लिक के 24वें साल में एनेक्ट कर दिया पार्लियामेंट ने। जो 1 लिखा हुआ है बोल्ड में, ब्लैक बोल्ड, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये है सेक्शन। इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा हुआ इसको सब सेक्शन बोलते हैं। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, सब सेक्शन 1 में यही दिया हुआ कि एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो कॉल्ड को आप हाईलाइट कर सकते हैं अगर आप चाहें और सिर्फ यही समझें कि सब सेक्शन 1 में सिर्फ नाम बताया गया। इसके बाद सब सेक्शन 2, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, कहने का मतलब सारे इंडिया में लागू होता है जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन अब 370 के बाद वहाँ भी इसकी मतलब वहाँ भी लागू हो जाएगा ये। अब इसके बाद अगली चीज़ आ गई प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 और 11, ये रोमन नंबर में पता ही आप सबको, देयर फॉर शेल नॉट अप्लाई टू नागालैंड और ट्राइबल एरियाज, कहने का मतलब चैप्टर 8, 10 और 11 तो अप्लाई होंगे नागालैंड में, ट्राइबल एरिया में, इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे दोनों ही जगह में। बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई, बाकी तरीके से अप्लाई कर भी सकती है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए अगर वो चाहे तो, किसी खास पार्ट को लेके या फिर कंप्लीट स्टेट को लेके मॉडिफाई करके अप्लाई भी कर सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जैसे ट्राइबल एरिया ऊपर यूज़ कर लिया ना, साथ साथ में एक्सप्लेन करते रहते हैं चीज़ों को ताकि पढ़नी है कि कोई दिक्कत नहीं आवे। एक्सप्लेन किया ट्राइबल एरिया मीन्स टेरिटरी जो इमीडिएटली बिफोर, मतलब 21 जनवरी 1972 से पहले इंक्लूड करे गए थे ट्राइबल एरिया ऑफ असम में, एज रेफर्ड इन पैराग्राफ 20 ऑफ 6th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्केड्यूल है ना उसके 6th स्केड्यूल के 20वें पैराग्राफ में दिए गए हैं, अदर देन दोज विद इन लोकल लिमिट ऑफ म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, शिलोंग की म्यूनसिपैलिटी से अलग। अब तीसरा सबसेक्शन आ गया, दिस
it shall come into force on the first day of April 1974. ये commencement date है इसकी. तो आपने नोट करना है कौन से सबसेक्शन में कितनी इंपॉर्टेंट बात आई है. ठीक है, अब सेक्शन टू पे जाएंगे. ये सेक्शन दो है, दो की बेयर लैंग्वेज है. इसमें जैसे कि ए बी सी डी ई आई हैं, ये जो इनको क्लॉजेस बोलते हैं. ठीक है, और ये ऊपर दो लिखा हुआ है डेफिनेशंस. ये सेक्शन हो गया अपना, लेकिन इस सेक्शन को पूरी डिटेल में आप अभी नहीं पढ़ेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ए से लेके वाई तक है इसमें डेफिनेशंस. और डब्ल्यू ए नाम से 2009 में एक डेफिनेशन विक्टिम की इंसर्ट कर दी थी. अब आपने क्या करना है, आपने यूं याद करना है जैसे कि ए में बेलेबल ऑफेंस है, बी में चार्ज है, सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, डी में कंप्लेंट है, ई में हाई कोर्ट है. इसी तरीके से आपने ए से वाई तक कंप्लीट याद करने. इस पे हम बाद में आएंगे या इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है सेक्शन तीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस. तो रेफरेंस का यही मतलब है कि हम किसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं. इस केस में, इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट को रेफर कर रहे हैं हम. सब सेक्शन वन में लिखा गया है इन दिस कोड, फिर क्लोज ए आ जाता है, एनी रेफरेंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स टू अ मजिस्ट्रेट. जोन से मेरे भाई हैं, थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आवनी इंग्लिश की, तो मैं उनकी राय देऊंगा, एक डिगलॉट खरीद लो जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा होती हैं. इनका मतलब ये क्वालिफाइंग वर्ड का, जो मजिस्ट्रेट एकला लिख रख्या हो, उसका गला जुडिशियल ना लिख रख्या हो, तो वो मजिस्ट्रेट थी के समझा जाएगा कौन सा मजिस्ट्रेट. यह सारी बीमारी यह है. तो ये भी आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझा जाएगा. मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन समझा जाएगा. इब क्लोज बी आ गया, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास खतर आ गया. एंड का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया है जो अपने सेक्शन आठ में दिया गया है, तो उसका वो समझाऊंगा ना जब आपके सारा समझ आ जाएगा. अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर मजिस्ट्रेट है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उसके बाहर डिस्ट्रिक्ट में है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है. क्लोज डी देखो पहले सबसेक्शन का, तो इसमें सीजीएम और सीएमएम हाईलाइट कर रखा है. यहाँ भी बिल्कुल सेम केस है. अब आ गया सबसेक्शन टू, कोई भी रेफरेंस अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में दे रखी है और मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में भी दे रखी है इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो वह रेफरेंस के समझ ली जाओगी. कंस्ट्रूड का मतलब है कि उसको समझ लिया जाना. ये टर्म है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में आई थी हमारे, उसमें कंस्ट्रक्शन है इंटरप्रिटेशन है वहीं से आई है ये. तो इसको क्या समझ लिया जाएगा कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात की गई है. ये भी आ गया सबसेक्शन तीन, कमेंसमेंट था पहला, इस एक्ट का बनन था पहला, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तरह लिख रखा होगा ना, तो वो ईब समझ लिया गया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. क्लोज सीम है सबसेक्शन थ्री का, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समझ लिया जाएगा. ऊँ कि मैं काम का कोनी यो सेक्शन, लेकिन आप ही छोड़ना कोनी कोई पोर्शन. इसकी चार में के एविडेंसेस के फॉर्मुलेशन के बारे में, या पनिशमेंट देने के बारे में, या डिटेंशन अलाउ करने के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, बी ए जो ऊपर चीज़ें थी ये सारी मैजिस्ट्रेट जैसे ऊपर समझा गया ऐसे ही समझ लिया जाएगा. तो सेक्शन चार है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज. इसमें भी हाईलाइट कर रखा है ऑफेंसेस अंडर आईपीसी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायर्ड, ट्राइड इनटू और अदरवाइज डेल्ट. सब सेक्शन वन तो कहता है कि ऑफेंसेस जो आईपीसी में दे रखे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्राई और अदरवाइज भी डील करे जाओगे जो प्रोविजन सीआरपीसी में दे रखे हैं. सब सेक्शन दो में देखो आप एनी अदर लॉ कह रखे है अकॉर्डिंग टू सेम प्रोविजन बट सब्जेक्ट टू एनेक्टमेंट. जब कोई कानून है उसकी कोई खास एनेक्टमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग होगी, नहीं तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वो होगा. अब आ गया पांच सेविंग. सेविंग का मतलब है कि जो इस ये एक्ट जिस पे लागू नहीं होएगा. कहने का मतलब ये हो गया कि इस एक्ट में कोई भी सी चीज, नथिंग कंटेंड इन दिस कोड शैल इन एबसेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन की एबसेंस में किसी स्पेशल और लोकल लॉ को मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकता. ये स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन दे ही हो, पावर दी गई हो, प्रोसीजर बताया गया हो, तो ये छेड़ नहीं सकता उसको. तो ये हो गया पांच. कंक्लूडिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं तो जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर होगा, तो उन सेक्शंस को हम साथ के साथ याद करेंगे. वैसे न्यूमेरिक्स थोड़ा याद करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम उसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको. और उनको बहुत कंपलसरी है सेक्शन याद करना, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं.
इसके अलावा वील पोस्ट टेस्ट वीडियोज इन विच यू कैन गिव ओरल टेस्ट और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन डाउनलोड द PDF टेस्ट विच वी विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप इन टच. थैंक यू.